में आपका स्वागत है। बेगूसराय के तेघरा प्रखंड के सबसे उपजाऊ चौर की लगभग हजारों एकड़ भूमि परती रह गया। अतिवृष्टि एवं बलान नदी की बाढ़ का पानी अत्यधिक विलंब से सूखने से रवि फसल की खेती निचले हिस्से में नहीं हो पाया। तेघरा की पश्चिमी सीमा भगवानपुर प्रखंड के सीमा पाली से पूर्व क्षेत्र बीरपुर एवं बरौनी प्रखंड के सीमा नोनपुर निंगा चौर तक के बीच में दर्जनों गांव नोनपुर पिपरा फर्दी परवंदा पकटौल किरतौल अम्बा चिल्हाय बनारा धनकौल आलापुर गौरा एक गौरा दो फुलवरिया तीन सोखारा बरौनी तीन सहित कई अन्य गांवों के किसानों के सैकड़ों एकड़ निचली भूमि में खेती नहीं होने से किसान निराश और मायूस हैं, जिसका मुख्य वजह चौर से जल निकासी की समुचित और अस्थायी व्यवस्था का अभाव है। क्षेत्र के दर्जनों किसानों ने इस आशय की जानकारी जिला परिषद क्षेत्र संख्या 17 के नव निर्वाचित जिला परिषद सदस्य प्रवीण शेखर एवं प्रखंड प्रमुख राम नरेश पासवान को दी। शनिवार को जिला परिषद सदस्य एवं प्रखंड प्रमुख ने पूरे क्षेत्र का दौरा एवं चौर के जल स्रोतों का निरीक्षण करते हुए उत्तर तेघरा के अंतिम बॉर्डर प्रबंधा पहुंचे, जहां क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि एवं दर्जनों किसानों से चौर से जल जमाव की समस्या एवं अन्य समस्याओं से अवगत हुए। किसानों ने बताया कि पहले जब जल निकासी के लिए सरकार के द्वारा पूर्व में पाली से लेकर जगदर तक नहर की खुदाई की गई, सुखाड़ पड़ने पर बलान नदी में बने सुलेस्ट गेट से पानी की आपूर्ति होती थी और बाढ़ के समय फसल को डूबने से बचाने के लिए पूरे चौर का पानी नदी में संग्रह हो जाता था, जिसकी वजह से समय पर दोनों फसल की अच्छी पैदावार होती थी। सभी जगह लोगों के निजी स्वार्थ ने उन तमाम जल स्रोतों को भरकर खेत तैयार कर लिया गया, जिसकी वजह से फसल बोने की समय बीत जाने के बाद भी जल जमा हुआ रहता है। जल निकासी की स्थायी व्यवस्था के लिए पुनः नहर की खुदाई की मांग की। जिला परिषद सदस्य प्रवीण शेखर एवं प्रखंड प्रमुख नरेश पासवान ने किसानों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए कहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 75 वर्षों बाद भी चौर से जल निकासी की अस्थायी व्यवस्था नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित रूप से जल निकासी की समुचित एवं अस्थायी निदान के लिए जिला प्रशासनिक एवं स्थानीय सांसद गिरिराज सिंह तथा राज्यसभा सांसद माननीय राकेश सिन्हा एवं विभागीय मंत्री ने मंत्रणा करके इस दिशा में पहल की जाएगी। उन्होंने जिला प्रशासन से किसानों को इस बड़ी क्षति की भरपाई करने की मांग की। स्थानीय मुखिया नवीन प्रभाकर ने बताया कि किसानों एवं पशुपालकों के लिए यह चौर जीविका का मुख्य साधन है। इस वर्ष यहां खेती ठप रहने से साल भर के लिए पारिवारिक भरण पोषण की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है, साथ ही मवेशियों के लिए चारा का भयानक संकट भी पैदा हो गया है। मौके पर जदुई के प्रखंड उपाध्यक्ष अविनाश कुमार, पूर्व पंचायत समिति सदस्य हरिहर महतो सहित दर्जनों की संख्या में किसानों एवं जनप्रतिनिधि मौजूद थे। तेघरा से अशोक कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। धन्यवाद।